जीआरपी एडीजी जयनारायण सिंह ने जीआरपी लाइन और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एडीजी जीआरपी का कहना था कि व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है। जीआरपी एडीजी जयनारायण सिंह ने जीआरपी आगरा अनुभाग का निरीक्षण किया। जीआरपी लाइन, आगरा कैंट, जीआरपी थाना और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का एडीजी जीआरपी जयनारायण सिंह ने बारीकी के साथ निरीक्षण किया। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को देखा, प्लेटफार्म और सर्कुलेटिंग एरिया की सुरक्षा व्यवस्था को गहनता के साथ चेक किया। एडीजी जीआरपी का कहना था, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 53 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। विशेष रूप से यहाँ पर अभी हमने यहाँ जो आरपीएफ का कंट्रोल रूम है, इसमें बताया गया तो कि 53 हाई रिजोल्यूशन कैमरा जो है लगाए गए हैं, जिसमें हमारा जो सर्कुलेटिंग एरिया जहाँ पर वाहन पार्किंग और ये सब भी की गई है, उससे आच्छादित भी किया गया है। और इससे विशेष रूप से लोग बता रहे हैं, जाते हैं कि इससे प्लेटफार्म और इस पर जो घटनाएँ हो रही थी जाते हैं उस पर काफ़ी अंकुश लगाया है। और इसका एक लिंक देते हैं, ये भी बताया गया जो हमारा जीआरपी आगरा कैंट का थाना है देते, उस पर भी आज यहाँ के अधिकारियों ने बताया कि एक लिंक उसको भी दिया जाएगा। एडीजी जीआरपी जय नारायण सिंह का कहना था कि रेलवे स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया के साथ सड़क पर भी कैमरे लगाने का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे स्टेशन के आसपास घूमने वाले अपराधियों पर नजर रखी जा सके। प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र भी चलाया जा रहा है, और उस क्रम में आपके जनपद में जो आपका कमिश्नरी है वहाँ पर लगभग 10,000 से ऊपर कैमरे भी लगाए गए हैं, उसको भी समीक्षा उसके नोडल अधिकारी मुख्यालय स्तर पर एडीजी रेलवे अर्थात मैं ही हूँ, तो उस संदर्भ में भी जो अभी और इलाके जैसे यहाँ पर काफ़ी कुछ नए निर्माण भी होने हैं, तो यहाँ पर भी अधिकारियों से वार्ता की गई है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अपना जाते कुछ और कैमरे लगाए जाएँ, जिससे कि जो सड़क है अपना जाते हैं वहाँ पर जाते हैं यहाँ के नहीं हैं, लेकिन जन सहयोग से, क्योंकि काफ़ी लोग जो है जो रेलवे स्टेशन के बाहर उनका आवागमन रहता है संदिग्ध लोगों का, उन पर भी जो है अंकुश लग सके। इसी क्रम में जैसा कि रेलवे में नई एस्कॉर्ट व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे हमारा जीआरपी का रिस्पांस टाइम भी इस रूप में सुधरा है कि अब हर ट्रेन में जो भी हमारे पुलिसकर्मी लगाए गए हैं उनका विस्तृत विवरण, उनका मोबाइल नंबर, डिटेल्स हमारे विभिन्न थाना क्षेत्र के मुख्यालयों पे और जो एसपी रेलवेज हैं उनके मुख्यालय से मॉनिटर हो रहा है, और जैसे ही कोई शिकायत 112 उससे मिल रही है, 2 मिनट के अंदर हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और ट्रेनों में तत्काल पहुँच करके अपना जाते हैं उनको अटेंड कर रहे हैं। ऐसा बताया गया है, ट्रेनों में एस्कॉर्ट करने वाली टीम का संचालन मुख्यालय के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे इस बात का पता चल सके किस ट्रेन में कौन सी टीम गश्त कर रही है। पूर्व में जो शिकायतें ट्रेन के अंदर की रनिंग ट्रेन में होती थी, उसको जब प्लेटफार्म पर ट्रेन पहुंचती थी तो वहां पर उनको कर्मियों को संपर्क करके सूचना दी जाती थी, जिसमें आधे घंटे से ऊपर 40 मिनट लग जाते थे। वो आधे घंटे 40 मिनट का जो रिस्पांस टाइम है अभी 2 मिनट और 3 मिनट तक प्रत्येक ट्रेन में हो रहा है, इसके अच्छे प्रभाव भी दिखाई दिए हैं। इससे ये देखिए अच्छा है, यहाँ पर जाते हैं आप सभी देख रहे जाते हैं कि हमारा जो है ये आगरा कैंट स्टेशन जाते हैं काफ़ी यहाँ पर साफ सुथरा भी है, और जैसा कि ये शहर है यहाँ पर जाते हैं काफ़ी पर्यटक आते हैं, कि हम सबकी जिम्मेवारी है कि इसको स्वच्छ भी रखें, तो प्रशासन के साथ साथ रेलवे प्रशासन स्थानीय प्रशासन के साथ साथ हमारी भी जिम्मेवारी है कि अपना जाते हैं कि इसको जो है स्वच्छ और उसमें रखें, और हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको सुरक्षित रखें। अपराधी हाईटेक हो गए हैं, ऐसे में पुलिस भी हाईटेक हो गई है। जीआरपी अपने आप को पूरी तरीके से हाईटेक बनाने में जुटी है। जीआरपी के सामने कई चुनौतियां होती हैं। ट्रेनों में महिलाएं सुरक्षित यात्रा कर सकें, इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जीआरपी एडीजी जय नारायण सिंह आगरा निरीक्षण पर आए। जीआरपी लाइन का निरीक्षण किया गया, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। ऐसा बताया गया है कि तमाम सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया जा रहा है, रेल यात्रियों की यात्रा सुरक्षित हो सके, अपराधियों पर लगाम लग सके, इसके लिए जीआरपी अपने आप को अप टू डेट कर रही है। तमाम ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे अपराधियों के हौसले पस्त हो सकें। जीआरपी सर्विलांस को मजबूत किया जा रहा है, जिससे
हाईटेक अपराधियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा सके, उन पर भी लगाम लगाई जा सके। दावा किया गया है, देखना होगा कि दावा कसौटी पर कितना खरा उतरता है, लेकिन व्यापक परिवर्तन जरूर किए जा रहे हैं। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।